कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? इधर होती है तीन चार लड़कियाँ होती है इधर, पूरी 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 मार्केट को घेरा हुआ है आप लोगों ने। जोन सा भी उतरता है उसके पीछे पड़ जाते हैं लोगों की गैंग, ये पूरी गैंग है 70-80 के लोग हैं यहाँ पे भी हर कोने पे जबरदस्ती ले जाते हैं। कितने लोग आप? ये इनकी पूरी गैंग है, चोरी चकरी करते हैं लोग, ये 10-12 जनी है। कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे हैं? हाँ ये पूरे टब्बर ने यतीमखाने नु घेर रहा है। ये कितने लोग हो आप लोग? बात सुन, आराम से बात सुन, आराम से बात सुन, आराम से बात सुन, आराम से बात सुन, पुलिस को बुलाओ। हाथ नहीं, मैं तुम्हें लगा रहा, हाथ नहीं लगा रहा मैं। ये बदतमीज औरते हैं जो इनका गैंग है पूरा ग्रीन शर्टों में रोका हुआ है इन्होंने। बात सुनो ये, अच्छा मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। ये पूरे पूरी पूरी मार्केट को घेरा हुआ है आप लोगों ने। बाकी लोग किधर हैं? बात करो, कितने लोग हैं? काफी लोग रहे, जाने नहीं, इधर को पकड़ के रखिएगा, इसको जाने नहीं दे। लेकिन इधर बात सुनो, क्या नाम है आपका? हैं? ये पूरी गैंग है 70-80 के लोग हैं यहाँ पे भी हर कोने पे हर चौराहे पे आवाम इनसे तंग है। और इन्होंने एक मखसूस किस्म का लिबास पहना हुआ है जो मुनासिब नहीं लगता। अब ये तो लड़की है, औरत जात है, इसका क्या कर सकते हैं बंदा? जेब कतरे करते हो, क्या करते हो आवाम को? कहाँ से आई गैंग, आई कहाँ से हुई हो आप? बात सुनो, बात सुनो, नहीं नहीं मुंह ना छुपाओ, आराम से बात करो, आराम से बात करो, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, पुलिस बुला लूंगा। नहीं आता है। अच्छा कितने गैंग? चल ऐसे ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, मैं जान नहीं छोड़ूंगा तब तक तुम्हारी। ऐसे बता दो कितने लोग, कितने लोग आप? ये इनकी पूरी गैंग है। और कितने लोग हो आप? की हो गए तेनु, अब बताओ ना कितने लोग हो आप? कितने लोग हो? पुलिस को बुलाऊं यहाँ पे? आप इधर मेरी बात सुनो, आराम से मेरी बात छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अच्छा बात सुनो आराम से। मैं फिर अब यहाँ पे इनको ना जुबान चेंज हो जाती है। ये एक मखसूस किस्म की इनकी पूरी गैंग है और मार्केट के लोगों को इन्होंने तंग किया हुआ है। वो भागी जा रही है, बंदा इसे औरत जात पे पकड़ भी नहीं सकता। इधर लग रहे हैं यार इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कितने परेशान हैं लोग? बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी लोग गैंग होती है इधर? होती हैं तीन चार लड़कियाँ होती हैं इधर। हाँ ये कौन सी भी लेडीज उतरती है ना उनके आगे कोला लेके आगे हो जाती हैं, ऐसे तो अच्छी बात नहीं है ना। जी पुलिस वगैरह इस पर कोई कार्रवाई करती आती है उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है? भाग जाते हैं कानूनी तौर पे, तो ये गलत काम है, चले जाते हैं। गरीब लोग हैं, क्या किया जाए? ये तो पूरी पूरी टीम है, पलटून है ना, बस इसी तरह ही है ना। ये मांग पर्सनली गरीब गुरबत जो होती है वो तो और चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने एक पेशा बनाया, पेशा अब इनका खाने पीने का तरीका ये है ना, बस इसी तरह ही है। लाओ इनको, यहाँ पे सवारियों को परेशानी करते हैं, रिक्शा ड्राइवर कितना मतलब क्या करती है ये? ऐसे ही मांगते हैं और जोन सा भी उतरता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। कितने लोगों की गैंग है? कुछ तो जाएगा। कितने लोगों की गैंग है? ये हर जगह में है, हर जगह। हाँ जी, इस पे आप देखते हैं कितनी, मुझे तो काफ़ी तादाद में नजर ज्यादा है, 10 से ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा लोग। हाँ जी, यहाँ पे तकरीबन बहुत बड़ी गैंग है। पिछले दिनों में मैंने यहाँ पे आया और ऑपरेशन किया, दो मिनट में बाद अभी आ जाए, खबर कर देने हैं वो वापस उनको नहीं ले रहे हम। अच्छा ये बहुत ज़्यादा 4-5 लड़की है ज़बरदस्ती उनसे छीन के ले जाती हैं, काफ़ी दफ़ा जेब इन्होंने काटी है। ये कई दफ़ा मुतद्दद बार शिकायत आई है तो फिर उसके बावजूद मैंने इन पर एक्शन। ये पुलिस वाले भी आते कुछ नहीं करते हैं, क्या करें इन बगैरतों का? ये तो इन्होंने पेशा बनाया। देखिए आप तो कुछ रिमांड ले इनका, फिर पता लगेगा। तो दिखा सकते थे मजीद, उसको पकड़ तो नहीं सकते थे औरत जात, डेफिनेट। अब यहाँ पे जुबान चेंज कर लेते हैं। हाँ जी जी, ऐसे ही करते हैं, पूरी जबान आती है और जबान। हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। क्या कहते हैं सर आप, मार्केट में रहते हैं?
नहीं मेरा तो रक्षा है जी। नहीं आप इधर ही रहते हैं, इनकी क्या शिकायत है? इनकी शिकायत ये मांगती हैं बस, चोरी चकरी करती हैं। नहीं लोग ये 10-12 जनी हैं। हाँ जी ये नजर यहाँ की सूरत हाल है, चूँकि यहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं और रिक्शा ड्राइवर्स जबकि ख़वातीन के से आदमी भी हैं, आदमी भी पैसे कन्फर्म नहीं? हाँ कन्फर्म ही है, मैं भी इधर ही रहता हूँ बंद रोड पे, तो इधर ही रहते हैं शेरा कोट में, बहुत ज़्यादा हैं ये, इनके घर पैसे लेके चले जाते हैं, उनके साथ ही होते हैं, इकट्ठे चले जाते हैं। मखसूस किस्म का इन्होंने लिबास पहना हुआ, उसकी क्या वजह? ये नहीं पता, इन्होंने सब्ज लिबास पहना है दरबार की डोले शायद का दरबार है जौन सा, वो उन्होंने पहना हुआ है। नाम के बदनाम? हाँ जी ऐसे ही। भाई ने तो बड़ी हिम्मत से उनको रोका और पकड़ा और कहा दिखाओ अपना चेहरा। आगे पूछते हैं लोगों से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं ये जो मखसूस गैंग है 10-15 लोगों की? ये भाई कम से कम ही तो पूरा खानदान है इस काम के, एक एक फर्द जोड़ा है 4-5 हज़ार की दिहाड़ी लाँदा, उस तो बाद इतने कस्टमर आते हैं उन्होंने मोबाइल गायब कर लेंगे, उन्होंने बैग गायब करते, किसी टाइम इतने कपड़िया का रौला पै जाता, शापर गायब हो जाते, और जाता ने जो यही कोई कही तो यही आप बुरे बन जाने, इस करके बंदे इन्हों के घर नशे कर पै रहे हैं, तो इस करके इन्होंने जो तुम वेखो कम से कम ही 4-5 बजे के दरम्यान तुम आके वेखोगे घट तो घट भी तो 3.5-4 हज़ार रुपया इन्हों के हाथ से होंगे ने एक परसन को, एक एक दे कोल, एक दे कोल। हाँ जी तो तुम भान ले लो इन्हों को भावें 10 हज़ार का ले लो, लेंगे भान कई दफ़ा लिया है, कई दफ़ा लिया 1000 का भान दे दो, उस टाइम दे देंगे 2000 का दे दो, दे भठूर की अपनी दुकान डिस्टर्ब भी करते हैं, खान चंगा भला करते हैं, कई दफ़ा कई दफ़ा भी साइड तो हो जाओ, गाहकों परेशान ना करो, साढ़े ना भी बदतमीजी कर दें, तुम क्या तुम ये जो कदम चुके बड़ा अच्छा वे इन्हों सगो इस काम तो रोको, ये मीडिया को चाहिए इस काम तो, नाले हुकूमत अगर जी है ना साड़ी दरखास्त है कि मंगने वाले की जी टीम इन्हों खत्म कर, इस करके कि अपने आप को कारोबार कर। मैं ए दसो कि तुम इतने कदों तो काम कर देते, किन्ने लोग वेंदे हो? किन्ने लोग कम से कम भी तो इतने 50-60 तो ज्यादा ही जाते हैं, लंघते हैं एको ग्रीन कपड़े, एको ही ग्रीन कपड़े पाए, एको ही फैमिली देने सारे इन माइया बच्चिया सारे कुछ, जबान आती पंजाबी ना, पंजाबी जबान नहीं ज्यादा सिंधी बोल दियां ने, ड्रामे कर दिए उर्दू उर्दू तो, हाँ उर्दू तो आती है इन्हों, लेकिन गल कर मकसद हैगा कि इन्हों नहीं आता कि कोई साढ़े ना बदतमीजी करेगा, कोई चक्कर नहीं, इन्हों सिर्फ पैसों का मतलब है, बंदे इन्हों के घर बैठे ने, बच्चे इन्हों के घर बैठे ने, आते पिछे नहीं पिछे बंदे नहीं आते, आप ही आदियां ने, आप ही एक गैंग है पूरा, 7-8 बीबिया ने हरे इन्होंने झोले पाए ने, 4-4, 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लादियां ने गैब, जे किसी का मोबाइल पिया वे मंगन के बहाने ना उत्ते कोई चीज़ सुटी वो फड़ लिया, शापर तब गैब हो जाते हैं, कई दफा कस्टमर आ गए साढ़े ना कहें साढ़ा इतने शापर गैब हो गया, उन्होंने कही नहीं बाजी यही तो काम के ध्यान लगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को इन्होंने एक मखसूस गैंग ने हमने पकड़ने की कोशिश की, चूँकि पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले सकती डेफिनेटली, वो और कई जगह पर एक्शन लेगी, जहाँ पर मजम्मत की जाती है, जहाँ पर ज़्यादा एहतजाज किया जाता है वहाँ पर एक्शन लेना बनता है, लेकिन ऐसी मखसूस जगह जहाँ पर भिखारियों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है और इनकी एक गैंग है जो कि पीछे से इसके इनके जेंट्स मर्द आते हैं और इनसे पैसे वसूल करते हैं, फिर इनको एक मखसूस लिबास देते हैं और फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बर अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे और गुरबत को ख़त्म करे और जो हकदारों का हक खा रहे हैं उनको फना करे, और मेरा ख्याल नहीं बनता कि ये हकदार हैं, इनको चाहिए कि इनके हाथ पाँव हर चीज़ सलामत है, और वैसे भी गदागिरी पर पाबंदी है, कानूनी तौर पर पाबंदी है, गदागिरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इनकी इस तरह की गैंग आपको लाहौर में कई जगह पर मिलेगी, और ये मखसूस गैंग है, चूँकि कुछ मुतद्दद बारे में शिकायतें मिली कि हमारा जो जेब है वो इन्होंने काटी है, या इनकी वजह से औरतें रिक्शे से जैसे उतरती है या मार्केट से जैसे भी निकलती हैं तो वो उनसे मांगना शुरू कर देती हैं। अल्लाह ताला रहम करे मुल्क पाकिस्तान का, मुझे वकार दानिश को लाहौर 42 के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।